गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज है मुकम्मल 25th वा रोज़ा। सबसे अच्छी बात यह है कि आज का रोज़ा मैं रख पाया हूँ। अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि अभी लास्ट मोमेंट के जितने भी सब रोजे हैं वो मुझे डेफिनेटली मिलने वाले। तो अभी हम जाते हैं फटाफट से सामान लेके आते हैं इफ्तारी का, इफ्तार बनाने की तैयारी करते हैं। अम्मी घर में ऑलरेडी आई हुई हैं, मुस्कान भी बराबर वाले कमरे में आराम से लेटी हुई है प्यारी सी बेबी के साथ में। उसका नाम क्या रखा है वो भी आपको बताऊंगा मैं बहुत जल्दी, मगर फिलहाल पहले लेके आते हैं सब सामान। अभी बहन भी आने वाली है, इफ्तार बनाने की तैयारी करेंगे और फिर खाना वाना सब बनना है। वहाँ से अलमीरा का गेट देखो मैंने उठा के यहाँ पे लाके पटक दिया है, क्योंकि इसके मिरर की वजह से मिरर लगाएंगे हम पूरा रमजान के बाद में अच्छा सा। फिलहाल अभी तो इससे ही काम चलाना है। चल चल चल, कहाँ है चप्पल, कहाँ है ये कूड़ा, ले लियो सब कूड़ा, नीचे डालना है उसमें डब्बे में। फाइनली घर के नीचे से ही आ गया सारा सामान, काफी थक थका कर मुशक्कत करने के बाद जो भी सामान था वो ले आए। टी शर्ट तो दिखा तूने कौन सी पहनी हुई है, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। संडे कहाँ है फिर, संडे ये तो शुरू हो रहा है ना, फिर लास्ट का कहाँ है संडे। सब सामान आ गया, नीचे बैठ जाओ, यहाँ पे इफ्तार बनाएंगे। अभी इफ्तार बनाएंगे और हमारी पकौड़ी भी बन रही है हाथों हाथ, जल्दी से जल्दी फटाफट, क्योंकि अब टाइम भी 6:20 का हो गया है। क्या कर रहा है यार, उल्टा सीधा मत कर ना, तुझसे नीचे लगा रहा था जल्दी। अरे खामा खा गल्ला है, केले सही है वो। रो बेटा भाई छोटा सा, तुम कहाँ पर आए हो? वो रहा मेरा फेवरेट जूस। आवाज़ हल्की करो, ऐसा लग रहा है ना बेसन दलवा है। बेसन कहाँ दलवा है, ऐसा लग रहा है मुझे। मेरे पापा तो बहुत दिन से काटते हैं, कभी कभी अम्मी काटते हैं, कभी कभी पापा। इनको चाय खुद भी खिला लेंगे, खा लेंगे। भाई जी देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, अपना मोबाइल का कैमरा में आगे ला जा रही है। क्यों लेकर आ रहे हैं अभी, देख 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 वो क्या डाल दिया, और क्या डाल दिया ये। इतनी देर के बाद हमारी ये बनके तैयार हुई है थोड़ी बहुत इफ्तार, और साथ में ये आ गया तरबूज, ये आ गया हमारे प्राइम्स, बाकी पकोड़े वगैरह भी सब आ रहे हैं बनके। हमारा मैंगो शेक मार रखा है फ्रिज में, कटा नहीं तेरा नींबू। लो जी गर्मा गर्म पकौड़े भी बनके आ गई है, मसाला भी निकल गया है, साथ में सब सामान आ गया बिल्कुल। अब लगाने की तैयारी है और फिर रोजा खोलने की तैयारी है, सिर्फ 2 या 3 मिनट लगा। क्या कर रहा है यार, रहन दे, रोजा खुलने दो फिर खाना। रोजा खुल गया, टूट पड़ो निकाल लो सारा मैंगो शेक सब। बैठ जा आराम से, तू यहाँ पे बैठ, चला जा आगे बैठा हुआ। अभी फिलहाल हमने रोजा इफ्तार कर ली है, बस चाय पीने की तैयारी, चाय वाय पियेंगे। क्या कर रहा हो तुम यहाँ, क्या कर रहा हो, शोर ना मचाओ बिल्कुल भी। चलो बैठो यार, पकड़ो नहीं से पकड़ लो। पकड़ा हुआ है अपनी बहन को, पकड़ा हुआ है अपनी बहन के साथ बैठा हुआ है आराम से। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, चल तू अब। अरे यार तू मत छेड़ भाई, जेद हट जा, चलो तुम बैठो आराम से। लाओ जी लाओ, तार के बाद अब खाना भी आ गया, कढ़ी चावल ले खा ले, ले 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 खा ले खा ले। चलो निकालो। तो गाइस फिलहाल ये है व्लॉग का नेक्स्ट डे, और व्लॉग हमारा यहाँ एंड हो जाएगा। स्पेशली हमारे जितने भी सब बचे हुए रोजे हैं वो मुझे नसीब हो गए, मिल गए, बस मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे रोजे छूटे और मैंने बहुत कोशिश की कि रोजे रखे जाएं, कुछ तो ऐसा मौका मिलेगा यार रोजे रख लूँ, मगर अब फाइनली वो मौका मिला है। थकान भी पूरी नहीं हो पा रही है, ना ही नींद पूरी हो पा रही है। साथ में यहाँ पर अम्मी आई हुई हैं, क्योंकि मुस्कान की देखरेख करनी ज़रूरी है, बिकॉज अभी मुस्कान के ऑपरेशन है ना, तो ऐसे छोड़ नहीं सकते, खाने पीने हर चीज़ का दवा का ख्याल रखना है, और साथ ही साथ में खाना भी वो जो स्पेशली डॉक्टर्स का बताया हुआ यानी कि परहेज करना है। अब ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी खाना नहीं खा सकते। कल यहाँ पर बहन आई हुई थी, वो रात में चली गई थी, अब आज फिर से आएगी और यही रुकने वाले हैं सब। रोज़ा इफ्तार सब यहीं पर ही चल रहा है, यानी कि आज की शाम सारे जितने भी सब रोज़ हैं वो सब यहीं की शाम होने वाली हैं, और स्पेशली आपको इस ब्लॉग के अंदर देखने को मिलने जा रहा है। मुझे रात की सांस मिली है कि मैं अपनी नींद भी थोड़ी थोड़ी पूरी कर पा रहा हूँ, रोज़े रख पा रहा हूँ, आराम कर पा रहा हूँ, जितना हो सकता है मुझसे उतना मैं कर पा रहा हूँ। एंड बाय द वे सेकेंडली, अभी हमने एंट्री ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि एंट्री हमने अभी नहीं करवाई। इसके पीछे का कारण रीज़न ये है कि अब आप सोच रहे होंगे कि कल वाला व्लॉग अचानक से जो एंड हो गया था उसमें एंट्री नहीं की गई थी, एंट्री होनी चाहिए थी मैं मानता हूँ, मगर स्पेशली अभी मुस्कान का ऑपरेशन है, वो भी इस लायक नहीं है कि वो थोड़ा बहुत भी चल सके, बिकॉज कल मैं नीचे से लेकर के कल परसों में नीचे से लेकर यहाँ तक गोद में लेके आया था अपनी 4 मंजिल चढ़ा के मुस्कान को, ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हॉस्पिटल में पार्किंग तक आने में काफ़ी ज़्यादा दुविधा का सामना करना पड़ा था, काफ़ी मुशक्कत करने के बाद मुस्कान को पार्किंग तक मैं लेके पहुँच
पहुंचा था, बिकॉज अभी वो चलने की कंडीशन में ठीक से नहीं है। अभी जो भी हो रहा है, जितने भी काम हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, वो सब बैठे बैठे हो रहा है, बिकॉज वॉशरूम भी काफी मुशक्कत करके जाना पड़ रहा है। तो अभी थोड़ा सा मुस्कान का ये आराम हो जाए जख्म, फिर उसके बाद से हम प्यारी सी एंट्री करवाएंगे अपने बेबी की, मुस्कान की और साथ में मेरी इस घर के अंदर, और फिर वो सब आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। स्पेशली अभी हमने घर भी डेकोरेट नहीं किया है, घर डेकोरेट करने के बाद फिर एंट्री होगी, वो सब चीज़ें आप सभी को व्लॉग के अंदर देखने को मिलेंगी। बहुत सारी बातें थी जो क्लियर करनी थी, वो आई थिंक मैंने उम्मीद कर दी होगी व्लॉग में। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि मुस्कान भी बेटर है और साथ में हमारी बेबी गर्ल है वो भी काफ़ी अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है बेटर है। आने वाले व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा नाम का सजेशन कि हम नाम क्या रखेंगे, क्या हमें नाम सूट करता है और हमने क्या सोचा था और क्या हम नाम रखने वाले हैं, वो आने वाला व्लॉग उसके लिए ज़रूर देखिएगा, अगले दिन ही आ जाएगा। क्योंकि अभी हमारा नाम डिसाइड किया जा रहा है कि हमें किस तरह से किस अकॉर्डिंगली नाम रखना है, जिसके मीनिंग्स भी अच्छे हों और साथ में हमारे नाम से कहीं ना कहीं अक्षर उसके मैच भी करें, काफ़ी अच्छा नाम हो, नाम लेने में भी जुबान ना फिसले, बोलो जुमा केसरी नहीं, जुबान ना फिसले मतलब इजिली हो, जो हम नाम ले लें तो वो नाम रखेंगे। एंड यार लिटरली ना गर्मी ने भाई साहब मारा हुआ है। मैं सोच रहा था कि मैंने पिछले हफ्ते मैं व्लॉग देख रहा था अपने पिछले हफ्ते के, कल रात में बैठा हुआ सारे व्लॉग देख रहा था मैं, क्योंकि देखने की कोशिश कर रहा था कि मैंने आखिरकार कितनी ज़्यादा दुविधा में वो जिंदगी गुजारी थी। एक हफ्ते मैंने सब व्लॉग देख डाले जो भी है, मैंने कहा भाई इतनी गर्मी में मैंने किस तरह से हैंडल किया सारी चीज़ें, वो तो मुझे नहीं पता मगर कर लिया। अभी जो सामान हमने सब लगाने की कोशिश करी थी वो सारा सामान अभी मैंने यहाँ रख दिया है, वो मैंने लगाया नहीं है, ये सामान है। बाकी इसके अलावा एक बड़ी थैली है वो भी है अलग भाई, उसके अंदर सब भरपूर सामान है, ये ज़रा सा सामान नहीं है, बहुत सारा है, ये पॉलीथीन के अंदर तो पूरा फैल जाएगा, तो ये लगेगा भी बाद में लगेगा, फिलहाल अभी मैंने इसको ऐसे ही डाला हुआ अपने स्टूडियो में। अब एक छोटी सी पॉलीथीन ये वाली देख रहे हो, इसके अंदर बहुत सारी झालर हैं, एक एक पैकेट के अंदर काफ़ी भर भर के झालर हैं भाई, काफ़ी मस्त लगेगा अगर ये लग जाएगा पूरा, मगर इसको लगाना इतना आसान नहीं है। उससे पहले ना मुझे ये पर्दा उतार के ना इसको धुलवा कर वहाँ लगाना है, और ये वाली जितनी भी सब वॉल पर लगे हैं ना, ये सब फ्रेम्स हो गए, बटन्स हो गया या अपना सर्टिफिकेट हो गया, ये सब उतार के यहाँ वॉल के ऊपर डेकोरेट करना है, मतलब इन द सेंस यहाँ नहीं होगा ये सब, ये होगा यहाँ साइड में, इधर और इधर, इन दोनों जगहों पे मैं आराम से पोजीशन पर लगा दूँगा, फिर ये काफ़ी बेस्ट लगेगा मेरे अकॉर्डिंगली, पर्दा वहाँ लग जाएगा जिससे कि मैं क्रोमा भी यूज़, क्रोमा का मतलब होता है ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर सकूँगा। तो बस फिलहाल इस सारे ब्लॉग की आप करते हैं पर समाप्ति, आई होप कि आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, जिंदगी रही तो मिलेंगे अगले दिन प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में। Thank you so much for watching. Bye. Night again. See you. Come back tomorrow.